कुख्यात वांछित अपराधी विदेशी राय उर्फ अमरीश राय गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसटीएफ की टीम ने भोजपुर पुलिस के सहयोग से कुख्यात वांछित अपराधी विदेशी राय उर्फ अमरीश राय को गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी राय पर भोजपुर जिले के कोइलवर इलाके में पिछले 22 जनवरी को आपसी वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की हत्या का गंभीर आरोप है। अपराधी बालू के अवैध खनन में संलिप्त रहा है। बालू के अवैध उत्खनन को लेकर ही 2 गुटों में जनवरी में जमकर फायरिंग हुई थी। इस घटना के दौरान विदेशी राय ने लगातार फायरिंग कर पूरे इलाके को थर्रा दिया था। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। बिहार एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो उक्त अपराधी के खिलाफ हत्या और रंगदारी से संबंधित कई संवेदनशील कांड दर्ज हैं। केवल भोजपुर जिले के कोइलवर थाने में ही विदेशी राय के खिलाफ कुल 11 केसेस दर्ज हैं, जो काफी संगीन है। गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस की एसटीएफ और भोजपुर पुलिस ने बुधवार को अहले सुबह दबिश देकर इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें भोजपुर एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। सुनिए भोजपुर एसपी ने क्या कुछ कहा है। उसकर को गिरफ्तार किया गया है, काफी संगीन आरोप भी ऊपर है। कोइलवर थाना क्षेत्र में अवैध माइनिंग को लेकर के और कई घटनाएं हुई, कई हत्या की घटनाएं इसमें हुई हैं पिछले एक साल में। उन्हीं को लेकर के हम लोग लगातार कार्य कर रहे थे। डीआईयू की टीम इसमें छापेमारी कर रही थी। हम लोगों के पास जानकारी थी कि इसमें एक गैंग करके कार्यकर्ता है, जिसमें विदेशी राय गैंग है, जिसके कुख्यात विदेशी राय हैं, जो अपने कुछ साथियों के साथ एक ग्रोह चलाते हैं। वो अवैध माइनिंग का भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा कुछ घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। ये काफ़ी समय से फरार थे और हम लोग लगातार इनको पकड़ने के लिए लगे हुए थे। मुख्यालय स्तर से भी हम लोगों ने कुछ मदद इसमें मांगी थी, तो हम लोगों को टेक्निकल मदद भी मिल रही थी। उसी क्रम में कल इनको झारखंड जिले के रामगढ़ जिले से हमारी टीम ने और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। अपराधी पर कई संगीन आरोप हैं। इनके पास हम लोगों के रिकॉर्ड में जो अभी तक पता चला है 18 केस दर्ज हैं, जिसमें से कई हत्या के और बालू चोरी के और तरह तरह के संगीन रंगदारी वगैरह के भी मामले इन पर दर्ज हैं। क्या लगता है सर, इनकी गिरफ्तारी के बाद से अवैध बालू खनन रुक जाएगा भोजपुर जिले में? चूँकि अभी तो वैध का कुछ ठेका हो रखा है और अवैध के खिलाफ लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, और वैध माइनिंग भी जहाँ पर करते हैं संचालक, उनकी भी जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उनका वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के भी एसडीओ और डीएसपी लगातार वहाँ छापेमारी करते रहते हैं। हम लोग भी टीम बनाए हुए हैं, लगातार थाना स्तर से भी इसमें छापेमारी होती है, और इस तरह का कोई घटना अगर होती है तो उसमें थोड़े हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो पिछले 1.5 महीने पहले जो घटना हुई थी, उसमें करीब करीब सारे अपराधियों को हम लोगों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी कर दी गई है, और जो मुख्य कुख्यात अपराधी है विदेशी राय वो गिरफ्तार हो गया है। इस गिरफ्तारी से सर कितना प्रभाव पड़ेगा बालू माफियाओं के ऊपर सर? कुछ डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिरफ्तारी हम लोगों की, क्योंकि इस गैंग का जो हम लोगों के सूत्रों से पता चला था, इसका दबदबा उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा था और गोली चलाने को लेकर के ये लोग काफ़ी अग्रेसिव थे। इनकी गिरफ्तारी से वहाँ होने वाली घटनाओं में अंकुश लगना चाहिए। अभी भी कई ऐसे नाम हैं सर बालू माफियाओं के, जो अभी भी पकड़े नहीं जा सके? जो नहीं पकड़े जा सके उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और शीघ्र ही गिरफ्तार की। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट।